शहर कोतवाली क्षेत्र में स्कीम नंबर 2 स्थित लाजपत नगर में सामने से आ रही तेज गति में बाइक सवार व्यक्ति ने ई रिक्शे को टक्कर मार दी, जिससे ई रिक्शा पलट गया और उसमें बैठी चार सवारी सहित रिक्शा चालक गंभीर रूप से घायल हो गया, जिनको स्थानीय लोगों की मदद से राजीव गांधी सामान्य अस्पताल लाया गया, जहाँ उनका उपचार ट्रॉमा वार्ड में चल रहा है, जिसमें एक व्यक्ति की गंभीर स्थिति होने के चलते उसको डॉक्टरों ने जयपुर रेफर कर दिया। ई रिक्शा चालक के भाई पदम ने बताया कि मेरा भाई महेश करीब 2 साल से ई रिक्शा चलाता है और वह ई रिक्शा चलाकर अपने परिवार का पालन पोषण करता है। मालवीय नगर का रहने वाला है और वह हजूरी गेट से स्कीम नंबर 2 स्थित लाजपत नगर में चार सवारियों को छोड़ने के लिए जा रहा था, तभी लाजपत नगर में सामने से आ रही तेज गति बाइक ने ई रिक्शा को टक्कर मार दी, जिसमें ई रिक्शा पलट गया और चार लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। इसके अलावा उसका भाई महेश के हाथ और पैर में गंभीर चोट लगी है, जिसका इलाज ट्रॉमा वार्ड में चल रहा है। ये मेरा भाई है। क्या नाम है? ये ई रिक्शा चलाता है, महेश चंद्र है इसका नाम। अच्छा। सवारी बैठा के ले जा रहा था, सामने से मोटरसाइकिल आई थी, इसकी नंबर 1, इसके नंबर 2 में, सॉरी 2 का चोरा है ना, उसमें लाजपत नगर में, और ऐसी भयानक एक्सीडेंट करके चले गया। तो चार तो सवारी, एक को तो जयपुर एडमिट कर दिया, 2 बेचारी एक अपने घर चली गई और इसकी अपना सीट टूट गई। अच्छा, कहाँ के रहने वाले हैं आपके भाई? तो हमारे भाई मालवीय नगर के रहने वाले हैं। अच्छा, कितने दिन से चला रही है रिक्शा? अब इसको तो कम से कम 2-3 साल होगी। तीन बच्चियां बेचारे गरीब आदमी। कहाँ से कहाँ जा रहे थे ये? सवारी लेके जा रहा था ये। अच्छा, स्कीम 2 गुरुद्वारे के पास जा रहा था। कहाँ पर? स्कीम नंबर, हाँ, स्कीम 2 गुरुद्वारे के पास जा रहा था सवारी लेके। फिर क्या हुआ? सामने से एक्सीडेंट, मोटरसाइकिल लेके आ रहा था, बहुत बेरहमी से टक्कर मारी। टक्कर मारी उसने, वो तो भाग गया था, अब क्या करें।